बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियो, हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे रानोरेक्स पे किसी भी टेस्ट को, और बहुत बेसिक टेस्ट होगा अपना। यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेस्ट GUI इंटरफेस और रानोरेक्स। उसके अलावा आपके पास एक चीज़ होगी कि यू लर्न अबाउट, क्योंकि रानोरेक्स एज इट इज़ फेमस फॉर वेब टेस्टिंग, तो विल बी टेस्टिंग अब एप्लीकेशन एज वी हैव लेस टाइम टू शो what Ranorex is all about, but as compared to the market, I think it is a platform which provides multiple testing. It is a platform where you can do multiple testings at the right time, at the same time, or uske baad aap ye kar sakte ho ki iski testing log achhe ho. Let's do that. To yahan pe hum aage, humne desktop application, mobile application, blank web application ko select kar lete hain. Yahan hum uske naam de rahe hain GUI लॉगिन टेस्ट, और यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र हमें सेलेक्ट करना है और यूआरएल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने ब्राउज़र को सेलेक्ट किया और उसके बाद जी मैं क्रॉस कर देता हूँ, उसके बाद मैंने ब्राउज़र का लिंक दे दिया और उसके बाद हम बोल रहे हैं हम क्रोम पे चलाना चाहते हैं। लॉन्च ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे कुछ बहुत स्टार्ट हो पड़ेगा। यहाँ पे ऐड टू ब्राउज़र जो वाइट लिस्ट से ये होता है कि जितना हम प्रोसेस जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटिंग कर देते हैं, मतलब एक टन ऑफ अननीडेड अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है। सिंस यू आर नॉट अ बिग डेवलपर, सो एज अ टेस्टर यू माइट नीड टू हाइड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे ये हो गया और हमने फिनिश किया। फिनिश करने से क्या होता है कि हमारे एक टेस्ट सूट बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे हमारे टेस्ट सूट बन गया और ये हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो गया। हम ये क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और मैं ये हमारे पास डिफॉल्ट मॉड्यूल्स हैं रिकॉर्डिंग के, वो खुद ही बना देते हैं डिफॉल्ट मॉड्यूल्स। ओपन ब्राउजर रिकॉर्डिंग के अटॉन ब्राउजर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैं आपको बेसिक तरीका बता सकता हूँ कि आपने टेस्ट कैसे रन करना है और टेस्ट कैसे रन होगा। तो ऑल द प्रोसेस जो है टेस्टिंग वो मैं इधर आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने पे जो ही रिकॉर्ड होगी आपके, जो के नीचे आपको एक स्क्रीन बनी दिख रही है। अब ये हर कंपोनेंट को मॉडिफाई करें, देखें कलर चेंज हो रहा है सबका। नाउ आई विल एंटर माई रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैकएंड पे इन्होंने लगाई हुई है कि सिर्फ 10 नंबर का जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर कर सकते हो। सो वी आर एडिंग आवर रजिस्ट्रेशन नंबर, सो आई एम राइटिंग दिस। उसके बाद इट इज़ टेकिंग सम टाइम, तो बहुत ज़्यादा मैं कीज़ दबा दूंगा और फिर उसके बाद मैंने आई एम नॉट अ रोबोट किया। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, इट इज़ अनॉइंग क्योंकि ऐसे मेरा लैपटॉप स्लो हुआ नहीं, बट स्लो कर रहा है। विल सी व्हाट कैन डू बाय। तो ये हमने देखा कि ओके सॉरी, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये डाल देता हूँ और यहाँ से मैं फिल्टर करता हूँ कि मैं एस्टिमेट के नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ कि आई एम नॉट अ रोबोट और मैं लॉगिन कर देता हूँ। अब ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और इसके बाद इट इज़ टेकिंग सम टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल प्रोबेबली स्क्रीन टाइम सो वीडियो टाइमिंग में थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा, सो दैट थोड़ा सा अनोइंग ना हो ये। तो ये हमने अपना खोल लिया CUI लॉगिन और यहाँ पे नाम सारा कुछ डेटा पता चल रहा है, दैट्स गुड। और अब हमने क्या करना है, हमने लॉग आउट कर देना है। तो देखिए हमने लॉग आउट कर दिया, सो वी विल बी स्टॉपिंग आवर जो रिकॉर्डर है हियर। और ये हमारे अब एक
अभी पर्टिकुलरली हमने जो जो स्टेप किया है वो आपको दिखाएगा। देखिए मैंने माउस क्लिक किया, आपको उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है और उसके नीचे जो हमारा पाथ क्या था वो भी आपको दिख रहा होगा। जहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने क्या किया, डाउन किया, ग्रो किया। ये क्योंकि अगर आपने पीछे पर्टिकुलरली डेटा एंट्री में कोई गलती कर दी है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पर्टिकुलर सेंसर है, मैं डबल क्लिक करूँगा, ये सबको बता रहा है कि ये सब कुछ बता रहा है कि तुमने भाई स्टेप ये फॉलो किया, ये नहीं किया, तो एवरी इंफॉर्मेशन सही है। अब यहाँ पे देखें, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया क्या तुमने पासवर्ड पे जो पासवर्ड मैं जब दे रहा था, ठीक है। और ये सारा क्योंकि ओवरऑल हमारा ये भी हुआ था ना कि वो इनवैलिड पासवर्ड आ गया था। तो खैर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट रन करते हैं। तो टेस्ट रन करने में एक मिनट, और पास के बारे में बता दूँ, पास से जो जो हमने पास फॉलो किए हैं तो हमारा जो सी आर लॉगिन का था और ये ऊपर आपको स्क्रीन दिखा रहा है और ये आपको इनपुट टैग दिखा रहा है नीचे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग रन करेंगे क्योंकि हमने ये काम कुछ किया था। तो एज देवर आस्किंग मी टू लाइक डाउनलोड द नेट डॉट नेट फ्रेम रिसेंटली एंड आई हैड नो लाइक ओके ये रन हो रहा है लेकिन मेरे पास डॉट नेट फ्रेम नहीं है, तो ये पर्टिकुलरली आपको विजुअली शो नहीं करेगा। तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वो आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने लॉग इन कर दिया, ये आप समझ जाएंगे उसने ना क्या, उसने हमारे ब्राउज़र पे जो जो हमने स्टेप्स किए ना, जो हमने गलत पासवर्ड भी डाला है उसने वो भी डाउनलोड किया, वो भी डाला है, और उसके बाद वो बैक गया है, उसने सही पासवर्ड डाला है, उसने जो जो स्टेप किया उसने देखा कि लॉग इन हो रहा है, वो अब उसने लॉग आउट पे क्लिक किया, वो दोबारा से लॉग आउट हो रहा है, कोई टेस्ट नहीं फेल हुआ, ये हमारा टेस्ट पास होता है। अब मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो आपके सिस्टम पर जाता है और कैसे वो ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। So yeah, have a good day.